अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उमर व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। कोरोना वायरस की वजह से सब तमाम लोग घरों में हैं और कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा। घरों में कैद हैं सब, तो सब लोग ढूंढने कोई ना कोई मौका मिले इंटरटेनमेंट का। काफ़ी दिनों से घरों के अंदर कैद हैं, तो हम अपनी छत पर आए हैं। तो पापा और भाई शूटिंग कर रहे थे एयरगन से, BSA की इंग्लैंड की एयरगन है। हर इंसान को, मुसलमानों का जेवर है असला, थोड़ा सा हर इंसान को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि गन को किस तरह हैंडल किया जाता है और किस तरह चलाया जाता है। और अब भाई शूटिंग कर रहे हैं एयर गन BSA के साथ, तो आए देखते हैं उनके निशाने और खुद भी मैं दो चार निशाने लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह गन चलाई जाती है एयर गन। क्योंकि हमारा शौक है हंटिंग का, हम हंटिंग भी करते हैं, तो इस लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं जा पा रहा, इसी घर के छत पर ही कुछ शूटिंग कर रहे हैं, कुछ शरे मार रहे हैं, तो देखते हैं कैसे। ये गन है BSA की इंग्लैंड की एयर गन है। ये तकरीबन हमारे पास 37 साल पुरानी है। ये देखिए इसकी हालत अभी भी बिल्कुल न्यू है। तो आए इससे कुछ निशाने लगा के चेक करते हैं। ये छत पे मैंने चार छोटे छोटे पत्थर रखे हैं जिससे निशाना मारने की कोशिश करते हैं। ये देखिए चार हैं। अच्छा, ये भाई आसर निशाना लगाने लगे हैं और देखें ये एयर गन के साथ BSA की वो सामने पत्थर रखे हुए हैं, वो देखें जी ये गिर गए एक पत्थर। ये देखे दो पत्थर हुआ, चलिए मैं लगा के चेक करता हूँ। ये जी मेरे वालिद साहब अब शूट निशाना लगाने लगे हैं। तकरीबन इन्होंने ये गन ली थी 37 साल पहले, इनका इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो देखें जी बिल्कुल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। तो ये फ्लाइंग में भी 12 बोर्ड से और मुख्तलिफ गनों से शूटिंग करते हैं, तो अभी भी घर में जब फ्री होते हैं तो इसे शूटिंग करते रहते हैं गन के साथ। अब ये देखें व्यूअर्स, चार पत्थर थे, दो तो बिल्कुल इधर से गायब होकर नीचे गिर चुके हैं और एक ये देखें आपके सामने ये निशाना लगा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस की जा रही है हंटिंग के लिए शूटिंग करके। तो अब एक और निशाना पर ये निशाना लगाने लगे हैं फूल को। वो देखे वो फूल के साथ उसका टुकड़ा गिर के नीचे गिरा है। ये प्रैक्टिस हो रही है जी हंटिंग की। फ्री टाइम आप भी अपनी कोई ना कोई इंटरटेनमेंट करें, कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों से बाहर ना निकलें, सेफ रहने के लिए घर में रहना लाजमी। वो देखे जी फूल और टूट के नीचे आया है। मैं इस एयरगन के साथ एक और निशाना मार के आपको दिखाऊंगा। तो आए फूल बिल्कुल टूट गया हुआ है, थोड़ा सा साथ में अटका हुआ है। तो ये हमारे सारे भाइयों के निशाने हैं। तो हमारे पास काफ़ी एयरगन है, मैं आपको कल दूसरी एयरगन दिखाऊंगा, तीसरी जो हमने न्यू मोहम्मद उज़ैर साहब का चलाने लगे हैं। ये देखें चलाई है मेरे भतीजे ने। ये हमारे घर में से सबको शौक है। ये छोटा सा देखिए भी, इसे भी गन्स का बड़ा शौक है। ये सुबह सुबह कहते हैं मैंने गन्स चलती देखनी है और हंटिंग में भी साथ पे जाता है। ये हम छत के सारे बैठे हुए हैं और ये गन्स के साथ निशाने लगा रहे हैं। वो सुराख मारने लगे। वो देखे सुराख के अंदर निशाना लगाया गया। ये देखे जी निशाना मारने लगे गुलेल का, वो ऊपर ऊपर मारे दरख्त पर। तो व्यूवर्स, तमाम शिकारी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अब शिकार का सीज़न ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से भी और जानवरों के अंडे देने का सीज़न आ चुका है। तो इसलिए प्लीज़ इन दिनों में शिकार ना खेलें, अपनी शूटिंग करें और अपने निशाने को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करें। जस्ट शूटिंग करें गन्स के साथ और शिकार ना खेलें। आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।
आज की ये वीडियो बनाई है शूटिंग के मतलब। ये मेरे हाथ में है ये BSA की एयर गन, तकरीबन 37 साल पुरानी। इसकी तकरीबन कीमत अभी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये देखें, बिल्कुल खूबसूरत, अच्छा लाइट वेट मॉडल है, इसके साथ परफेक्ट निशाना लगता है। और ये निशाने में और इसकी एक्यूरेसी की मिसाल ये खुद है। तो अगर आप शौकीन हैं हंटिंग के या शूटिंग के, आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप BSA की गन यूज़ करें। कोई भी गन यूज़ करें तो इंग्लैंड की यूज़ करें, इंग्लैंड की गन बेहतरीन और बेस्ट होती हैं। तो आपने निशाने तो देख लिए इसके। ये रिव्यू था BSA की एयर गन का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।